साईं की बात। बच्चे अब तुम्हारा वक्त बदलने जा रहा है मेरे बच्चे, तुम्हारे शौक तुम्हारी ज़रूरतें अब सब पूरा होने जा रहा है मेरे बच्चे। जो तुमने मुझ पर सबूरी दिखाई है ना, जो विश्वास दिखाया है मुझ पर, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारा विश्वास मुझ पर और भी दृढ़ होगा। अब तुम मेरे और भी करीब आ जाओगे मेरे बच्चे, तुम देखना अब तुम्हारे सारे सपने, सारी उम्मीदें, सारे शौक सब पूरा करूँगा मेरे बच्चे, एक एक कर कर तुम देखना, तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल बना दूंगा मेरे बच्चे। और हाँ, जो चित्र तुम्हारे घर पर है ना, मेरी आँखों वाला, उसमें देखना मेरे बच्चे, उसमें देखना, तुम्हें मेरे होने का एहसास होगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा साईं तुम्हारे पास है। और हाँ, कुछ मेरे बच्चों की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो चिंता मत करना मेरे बच्चे, तो उसमें सफल होगे, चिंता बिल्कुल मत करो, बस मेहनत करना और अपने साईं को याद करना, सब अच्छा होगा मेरे बच्चे। और तुम्हारी माँ भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे, चिंता मत करना, मंदिर जाकर वहाँ से फूल लेकर आना और अपने माँ को देना, वो हमेशा अपने पास रखें, बहुत जल्द वो ठीक होंगी, मेरा आशीर्वाद है उन पर। और हाँ, तुम जितना मुझे देते हो ना, उससे कहीं दुगना मैं अपने बच्चों को लौटाता हूँ मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, जितना तुमसे लिया है ना मैंने, उससे कहीं दुगना लौटाऊँगा। और हाँ, इन 3 महीनों के अंदर अंदर तुम्हारी ज़िंदगी पलट कर हो जाए रख जाएगी, तुम कभी किसी पे आश्रित नहीं रहोगे मेरे बच्चे, तुम देखना, तुम्हें तो मैं आत्मनिर्भर बनाने वाला हूँ। 3 महीनों के अंदर अंदर तुम्हारा वक्त और किस्मत बदलने वाली है मेरे बच्चे, तुम देखना। और हाँ, कुछ मेरे बच्चे बदले की भावना मन में लेकर बैठे हैं, नफरत मन में लेकर बैठे हैं मेरे बच्चे, तो उसे त्याग दो मेरे बच्चे, बदले की भावना को त्याग दो। मैं बैठा हूँ ना, जब तुम्हारा साईं है तुम्हारे साथ, तो किस बात की चिंता मेरे बच्चे, जो कर्म वो कर रहे हैं उन्हें करने दो मेरे बच्चे, जाने दो, तुम अपना कर्म बनाओ, तुम अपनी तरफ से अच्छा अच्छा सोचो। और बहुत जल्द कुछ मेरे बच्चे विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं मेरे बच्चे, बहुत जल्द मैं तुम्हें उनसे भेंट कराने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए बने हैं, चिंता मत करना। और हाँ, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम लोगों पर और बहुत सारा प्यार है मेरा बच्चे, बहुत सारा, जो तुमसे बहुत प्यार करता है ना, जो तुम्हारी बहुत कद्र करता है मेरे बच्चे, उसे वक्त दो, उसे समझो मेरे बच्चे, उसे यूं ही मत जाने दो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है तो तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए, उसे समझो मेरे बच्चे। वो जो हालात थे वो वैसे थे जो विपरीत थे मेरे बच्चे उस वक्त, लेकिन उसे गलत समझना उचित नहीं है, उसे समझो, उसे मौका दो एक बार फिर। और हाँ, मेरे बच्चे जो मेरे बच्चे होते हैं ना, उन्हें मैं कभी भी अन्न और वस्त्र की उनके घर पर कमी कभी नहीं होने देता मेरे बच्चे, कभी नहीं होने देता। और हाँ, तुम्हारे पास बहुत जल्द साईं सा चरित्र पहुँच जाएगी मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ इसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत जल्द इंतज़ाम करवा रहा हूँ, तुम तक मैं पहुँच जाऊँगा मेरे बच्चे। और हाँ, किसी से भी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ ना, मैं तुम्हारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी ज़रूरतों को जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं हूँ ना, मुझसे कहा करो और हक से मांगा करो, मैं तुम्हारी तो साईं माँ हूँ ना मेरे बच्चे, हक से कहा करो, शर्म मत किया करो, मैं तुम्हें दूंगा, बहुत सारा दूंगा, ढेर सारा दूंगा, बस मुझसे मांगो तो सही मेरे बच्चे, मांगा करो हक से, मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो।